ये देखो सबको जगाने में लगी पड़ी है कि उठो फिर ऊपर जगाएंगे। जगाओ जगाओ सबको, मैं तो उठ गई। अरे नाटकेगा, अरे गाजी बात तो कर भी जा रहे हैं। अरे इनके भाई हैं, बेटी है, अभी ये भाई साहब इनकी कह रहा हूँ। अच्छा है क्या जीजा जी, ये याद रखना इनके में नीले कलर की लिपस्टिक मंगाना। अरे चिंता मत कर, बहुत सुंदर से कलर की लेगा। कितना वो आया सबसे ज्यादा मजे आ रहे हैं इसमें, खुश हो बाबा की पोती है ना। के तो वो आपके परिवार को बचेगी, आप टेंशन ना लो। सो हाँ, सो हम बिल्कुल ऐसी बच्ची नहीं है हमारी, जो बड़ा ढंग से ध्यान रखना है। ये छुट जानी चाहिए चाची जी। ये भी बात, ये भी मिले तो। अब जाने की बारी आ चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं नाश्ता करके। बस चलो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गाइस। सुबह के बज रहे थे 9, नाश्ता वगैरह करके सब लोग निकल गए थे। बहुत से लोग तो सुबह ही निकल गए थे 5 बजे के करीब, बट हम लोग अब निकले थे क्योंकि थोड़ी बहुत देर सो लिए थे। फिर फेरे वगैरह का प्रोग्राम हो रहा था, वो सब देखा। और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पहले, तो फिर उसके बाद मैं रुद्रपुर के लिए आज ही निकलूँगी। और यहाँ पर कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के लिए ऐड कर रही हूँ। दुल्हन का वेलकम हो रहा है, मैं तो वहाँ नहीं थी बट कुछ क्लिप्स मुझे मिल गई तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये रख लो लेना क्या, दोनों ही अपने पास है। छोटा देवे और सालू तेरे आबा बलैया लेते जावा, हमारा बड़े अच्छा तुम्हारा जीवे बच्चा, बोलो पाके दरबार की जय। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पर और थोड़ा बहुत सो गए थे, रेस्ट कर लिया था। और अभी आ गया है हमारी विदाई का भी टाइम।
मैं जा रही हूँ अब आज ही घर, क्योंकि मोहित आए हुए हैं तो मैं उनके साथ ही निकल जाऊँगी आज ही। बस थोड़ी देर में ही निकलेंगे, बस सामान वगैरह ही थोड़ा समेट रही थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, मैंने आके सब पैकिंग वगैरह करी थी, ढंग से रेस्ट भी नहीं मिल पाया। अब घर जाके ही रेस्ट करूँगी, बहुत दिन हो गए, एक महीना होने वाला है मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा मेरे साथ ब्लॉग के थ्रू, मैंने तो रियल में बहुत ही इन्जॉय किया था, सच में आप लोगों ने देखा होगा। बाकी बुरा लग रहा है, जा रही हूँ लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, और अपने यहाँ भी जाके देखना है क्योंकि वहाँ भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा होगा। और तो बस गाइज निकलते हैं अब थोड़ी बहुत देर में, चल दिए, हमारी भी जाने की बारी आ गई अब, और हो रही है छोटे दामाद की विदाई। आ गई, मुझे लग रही गाड़ी। हाँ जल्दी लगवाओ, जल्दी बिंदी लगवाओ, जल्दी फटाफट, आ गई गाड़ी, आ गई गाड़ी, जल्दी चलो देखना क्या कहती। चलो बेटी की भी विदाई होने लगी, पूरा एक महीना रुक के जा रही है। चलो ठीक हो गया, ठीक है आपका भी, चलो बाय। जिनकी कोई कीमत ना होती है कभी कभी। चीकू खा रहा है रोटी जो उसकी नानी ने बना के रखी है, बीचों बीच आए हैं ये वाली जमीन में। अब पहुंच जाएंगे हम अपने घर। हेलो गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और कल रात आ गए थे हम लोग 7:30-8 बजे के करीब ऐसे ही। मैंने सोचा आज नेक्स्ट डे है, थोड़ा सा शूट करते हैं। हो गई शादी गाइस, फाइनली दोनों शादियाँ बहुत अच्छे से निपट गई, दोनों दुल्हन अपने अपने घर पहुँच गई, हम अपने घर आ गए। बहुत दिन रह के आई थी मैं, एक महीने में करीब 2-3 दिन कम, इतना मैं पहली बार रही हूँ शादी के बाद, मतलब मायके में। बट अब हो गया 3-4 महीने से, कितना क्रेज़ था भाई की शादी, भाई की शादी, घर में 2-2 शादियाँ, दोनों शादियाँ हो गई, सब लोग अपने अपने घर पहुँच गए, और अब तो बस वही सिंपल सी लाइफ, अब कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को पता नहीं क्या दिखाऊंगी मैं, क्योंकि अब मेरे पास ऐसे कोई भी ब्लॉग नहीं है, शादी के सारे ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ। बट कोई नहीं गाइस, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो शूट करूँगी मैं, और अभी तो फ़िलहाल मुझे लग रहा है 2-4 दिन मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फैलारा हो रहा है। मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगी, इतने कपड़े वपड़े, ओ माय गॉड, क्योंकि हमने पहने थे, कुछ भी वॉश नहीं हुए हैं, सब ऐसे ही बैग में भरती चली गई थी। अब देखेंगे क्या क्या उसमें धुलना है, क्या नहीं धुलना है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है 3-4 दिन निकल जाएंगे मेरे, तो बहुत बिजी होने वाली हूँ मैं, बहुत फैलारा हो रहा है नीचे, और इतनी ज्वेलरी मेकअप वगैरह सब कुछ ऐसा ही पड़ा है, सब समेट समेट के रखना है, होता ही है शादी वाले घर में तो होता ही होता है, बट जो लोग शादी में जाते हैं ना, मुझे लगता है उनका भी बहुत फैलारा फैलता है। तो अभी तो आज तो संडे है, तो मोहित और चीकू भी घर पर ही हैं, तो वो नीचे ही हैं, देखते हैं आज क्या होता है। थोड़ा सा राशन वगैरह यही सब सब्जियां वगैरह लेके आनी, क्योंकि मैं जब गई थी ना तो सब कुछ खाली करके गई थी, और अब मोहित ने मेरे पीछे खाना बनाया ही नहीं, उन्होंने बाहर ही खाया था, तो अब मैं लेके आऊँगी सामान वगैरह। तो गाइज़ बस नीचे जा रही हूँ अभी फ़िलहाल तो मैं, और एक चीज़ और मैंने क्लिप ऐड कर दी है दुल्हन के घर पहुंचने की। एक्चुअली क्या था, मैं तो नहीं थी वहाँ पर, नहीं तो मैं प्रॉपर ब्लॉग शूट करती, बट मेरे पास कुछ ग्रुप में क्लिप्स आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि भाई नई दुल्हन भी अपने ससुराल में पहुंच चुकी है, तो मैंने वो क्लिप्स इसमें ऐड कर दी हैं, सो आप लोग देख लेना। बाकी तो मैं भी नीचे जा रही हूँ। ये देखिए गाइस, घर से आने के बाद मेरा फैलारा कैसे पड़ा है, बहुत सारे कपड़े तो मैंने आज धो के ऊपर डाले हैं, और इन बैग में तो अभी मैंने खोले भी नहीं है, इनको बाद में चेक करूँगी क्या धोना है, क्या ड्राई क्लीन के लिए जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो गाइस इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब तो मैं थोड़ी देर में मार्केट जाऊँगी, और आई होप आप लोगों को मेरे शादी के सारे ब्लॉग अच्छे लगे होंगे। अब शादी वाली सीरीज़ हो गई है ख़त्म, क्योंकि अब शादी का कोई भी ब्लॉग नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, अब कुछ और स्टार्ट करेंगे, नया देख लेंगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी ये देखिए मेकअप कर करके कितने ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं मेरे, कोई बात नहीं सही हो जाएंगे 2-4 दिन में, क्योंकि मैंने पार्लर पे भी मेकअप कराया था, खुद भी किया था, मुझे लगता है शायद इसलिए मेरे पिंपल्स हो गए, बहुत सारे, बहुत दर्द हो रहा है। तो अब आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को सारे ब्लॉग अच्छे लगे होंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताना, कुछ ना कुछ कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के।
तो जल्दी ही मिलूंगी कुछ नई सी चीज़ के साथ, आई मीन कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय गाइस।